प्रेजेंटेड बाय प्रभु भक्ति, जहां आपको मिलेगी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई आकर्षक टी शर्टें। देर किस बात की, अभी जाइए प्रभु भक्ति पर। दोस्तों, प्रभु भक्ति इस खास वीडियो में आपको दे रहा है एक खास गिव अवे। मंदिर दर्शन के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं और वहां जाकर हमें फॉलो करें और हमारी पोस्ट को लाइक करें और उन पर कमेंट करें। किसी एक लकी विजेता को मिलेगी ये खास टी शर्टें। एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसकी आस्था विदेशों तक फैली है। यहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हवन यज्ञ की भभूत विदेशों तक जाती है। क्या है इसके पीछे की खास वजह और कहानी, आज के इस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस खास चैनल को जो कि मंदिर से जुड़ा हुआ है, तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी आस्था विदेशों तक है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवी माँ भगवती के एक रूप, जिन्हें महाराज राजेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। महाराज राजेश्वरी देवी मंदिर के बजाय पठाल से बने एक घर में निवास करती हैं। आपको बता दें कि राज राजेश्वरी सिद्धिपीठ, जो कि देवभूमि उत्तरांचल के श्रीनगर गढ़वाल से 18 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहाँ साल भर लोग माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। धन, वैभव, योग और मोक्ष की देवी कही जाने वाली श्री राज राजेश्वरी का सिद्धिपीठ घने जंगलों और गाँव के बीच देवगढ़ में है। प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक के लिए जाने जाने वाली माँ राजेश्वरी को ही कई राजा महाराजा भी अपनी कुल देवी मानते थे। वहीं आज के दौर में माँ के भक्तों में कोई भी कमी नहीं आई है। सिद्धपीठ के दर्शन के लिए देश विदेश के दर्शनार्थी देवलगढ़ पहुंचकर मन्नत मांगते हैं। कहा जाता है कि गढ़वाल नरेश अजय पाल ने चांदपुर गड्डी से राजधानी बदलकर देवलगढ़ को राजधानी बनाया था, जिसके बाद अजय पाल देवगढ़ में भी पठाल वाले भवन के रूप में एक मंदिर उन्होंने बनवाया। अद्भुत कलाकृतियों से ये खास तौर पर बनाया गया मंदिर बहुत ही हैरत में डालता है। दोस्तों, सन 1512 की बात है। ये तो आम मंदिरों की तरह ही है, लेकिन इसकी एक खास बात है जो बाकी के मंदिरों से थोड़ा अलग है। कहा जाता है कि इस मंदिर में साधारण श्रद्धालुओं के अलावा तंत्र साधना के साधक भी अपनी तमाम प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि एक साथ इस मंदिर में महामाया और महाविद्या दक्षिणेश्वरी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती विराजमान है, और इस मंदिर में खास तौर पर नवरात्रों के दिनों में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंदिर के पंडित बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस के जरिए हवन यज्ञ की भभूत यानी कि राख विदेशों में भेजी जाती है, और वो कहते हैं कि जब विदेशों से लोग यहाँ गांव आते हैं तो मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर पहुँचते हैं, और मंदिर में पहुँचने के बाद लोग राख के रूप में अपने पास उसे ले जाते हैं। यही नहीं, अन्य लोगों तक भी पहुँचते रहते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के कई लोग सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका में हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जरिए राज राजेश्वरी मंदिर के हवन की राख मंगवाते हैं, और प्रशासन द्वारा नवरात्रे पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं। पंडित कुंजिका प्रसाद उनियाल बताते हैं कि नवरात्र पर्व पर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए उनके द्वारा ही सेवक रखे जाते हैं, और ऐसे में इस मंदिर द्वारा और इनकी हवन यज्ञ की जो भभूत होती है वो पूरे विदेशों तक फैलती है। तो दोस्तों, आशा है आपको ये खास जानकारी, ये मंदिर बड़ा ही दिलचस्प लगा होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मंदिर दर्शन।